साल 2018 चुनावी साल है, ऐसे में हर कोई सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए कर धरने प्रदर्शन और हड़ताल पर उतरा हुआ है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में जहां एक तरफ राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है, तो दूसरी ओर आरपीएससी के अधिकारी और कर्मचारियों ने पिछले 48 घंटों से हड़ताल शुरू की है। अस्पताल के आयुष नर्सेस कर्मचारियों भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन संघर्ष समिति के बैनर तले लेखाकर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। अजमेर में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो अपनी मांगों को लेकर इन दिनों हड़ताल पर नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी कैसे दूर हो पाती है। पिछले 3 दिन से लगातार सामूहिक अवकाश पर, और उससे पहले हमने पेन डाउन हड़ताल और विभिन्न कलेक्टर और मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिए गए, हमारी मांगे नहीं मानी गई। उसकी निरंतरता में अब ये लगातार 4 दिन का सामूहिक अवकाश ले रहे हैं हम। हमारी जो मुख्य मांग है वो है कृषि लेखाकार की ग्रेड पे